चलो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे एमिशन लेयर कैसे ऐड ऑन करना है। तो एमिशन लेयर ऐड ऑन करने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं गया अपनी दूसरी फाइल पे, ये मेरे पास यहाँ पे, इसके अंदर मैं जो मैंने मेटल डॉट है ब्लू ऑन ऑफ करके देख लो, ये आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट लिस्ट में जाओ, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऐड ऑन करना है एमिशन। एमिशन ऐड ऑन करोगे तभी कुछ काम होगा, नहीं तो वो चाहिए बहुत बेटर नहीं देखेगी यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे चीज़ों को मैं लेता हूँ, तो मुझे किसी भी चीज़ को फुलफिल करने के लिए, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक फिल लेयर लिया, ठीक है, फिल लेयर लिया, तो फिल लेयर में मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये मैंने डिलीट कर दिया, फिल लेयर पे गया यहाँ पे। ठीक है, फिल लेयर पे मुझे यहाँ पे जो भी कोई कलर देना है, मैंने यहाँ पे मैंने दिखाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कि जो भी मुझे कुछ कलर चाहिए, व्हाट आई वॉन्ट, मैंने यहाँ से क्लिक्स यहाँ पे मैंने क्या किया सब क्लिक कर देता यहाँ पे, देन मैंने यहाँ पे पिक कर दिया, पिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने पिक कर दिया, हमारे पास ये पूरा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इमेसिव में आपको यहाँ पे देखोगे तो चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे, यहाँ पे एक पैरामीटर आपको और मिल जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है ना भाई, ये चीज़ आप यहाँ से अगर मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा कि आप किस टाइप से इमेसिव का ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं देखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ब्लैक किया तो ब्लैक में कैसे आ जाएगा यहाँ पे, जितना मैं व्हाइट की तरफ लेता हूँ उतना ज़्यादा वो बैलेंस होगा यहाँ पे। इसी को जैसे मैंने इस फाइल में मैंने काम किया, देखो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसमें मैंने क्या क्या काम कर दिया, देखो यहाँ पे चाहिए दिख रहा है यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, उन सेटिंग्स से देखो ये नॉर्मल कलर दिया यहाँ पे, इसके बाद मुझे यहाँ पे अगर थोड़ा सा कलर वाइज ग्रेडियंट लेके आना है, कलर वाइज ग्रेडियंट में जैसे दिख रहा है थोड़ा सा कलर में देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ को ऐड ऑन किया यहाँ पे। ठीक है, अभी इसके अंदर देखो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मैंने एक नॉर्मल मैप भी ऐड ऑन किया, मुझे नॉर्मल मैप पर कुछ इंपैक्ट चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दे रखा, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मैंने न्यू दूसरा लेयर लिया यहाँ पे फिल, एंड यहाँ पे मैं देखो 3D लीनियर ग्रेडियंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो चलते हैं यहाँ पे, स्विच करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या क्या नॉर्मल पे गया, नॉर्मल में मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे देखो नॉर्मल मैप आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे मेटल एंड ऑल दिस थिंग स्मार्ट मटेरियल सब कुछ आपको ब्रशेज फिल्टर स्किन हार्ड टेक्सचर यहाँ पे हार्ड सर्फेस यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ों को मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या बेवल क्रॉस कर दिया यहाँ पे, तो मैंने ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे VEL बेवल क्रॉस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपने क्लिक कर दिया यहाँ पे, देन यहाँ देखो स्विफ्ट यहाँ पे तो ऐसा दिखेगा नहीं, इसको आपको क्या करना है, जैसे आपको इस पर आप आते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलते हैं क्या, स्केल है, स्केल में देखो स्केल देखना है यहाँ पे, तो आप ऐसे करके तो सब मैनेज कर सकते हो, स्विफ्ट एंड क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा, तो वो दिखना नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड मैंने एक न्यू लेयर कर दिया यहाँ पे, न्यू लेयर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इस पर मैंने क्या करता है, ब्लैक मास्क कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ब्लैक मास्क के साथ मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मैंने और क्या चीज़ें ऐड ऑन की यहाँ पे, यहाँ पे एक मैंने 3D लेने वाला पार्ट यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, तो अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना, कुछ कुछ सेटिंग्स के साथ भी मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। कि देखो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऐड जनरेटर यहाँ पे, ठीक है, और जनरेटर में जाकर मैं आपका लीनियर जो आपको मैंने बताया था यहाँ पे, ये 3D लीनियर आप ले लोगे आप यहाँ पे, तो 3D लीनियर में आपको देखें यहाँ पे, इसमें बैलेंस में देखो तो बैलेंस में देखो ये पार्ट आपको देखेगा यहाँ से किस टाइप से आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट आपके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जो आपने दिया यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा काइंड ऑफ फर्स्ट में इमेज लेता हूँ यहाँ पे, और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कलर यहाँ पे ये दिया, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेरिएशन भी मिलेगा, वेरिएशन के साथ आप यहाँ पे देखो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया यहाँ पे चीज बस आ गया यहाँ पे, तो बैलेंस के साथ आप प्ले कर सकते हो। देखो यहाँ पे इस टाइप से बैलेंस है, कॉन्ट्रास्ट देखो आपको दो कलर आपको देखना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे करके मैनेज कर सकते हो, है ना, ये सिर्फ क्लिक कर देखो यहाँ पे ऐसे करके आपने क्रिएट किया तो आपको मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। आफ्टर डन ये कुछ सेटिंग्स भी मिलते हैं यहाँ पे, जैसे मैं अगर कहूँ यहाँ पे बस कुछ सेटिंग्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ होता है एड पोस्ट इफेक्ट, यहाँ पे ग्लेयर को मान करता हूँ, ग्लेयर में आते हैं यहाँ पे, ये थ्रेशोल्ड को कम करके देखो ये आपको देखेगा आपको यहाँ पे ग्लो कैसे करना है, ग्लो के साथ यहाँ पे आपको अलग अलग पार्ट, ठीक है, जैसे आपके पास ब्लूम है, ब्लूम को इम्पैक्ट कैसे देना है यहाँ पे, ठीक है, फिल्टर क्रॉस स्क्रीन आप इसको देखो थ्रेशोल्ड को कम करते हैं आपका इम्पैक्ट देखेगा यहाँ पे, रीमा फैक्टर ठीक है, आप कैसे मैनेज कर सकते हो, लुमिनेंस है, लुमिनेंस का आप कैसे चीज़ों को दिखा सकते हो आप यहाँ पे, सेफ्ट एंड क्लिक कर देखो देखना यहाँ पे, आप इन पार्ट को ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो मुझे यहाँ से कैसे हम लोग यहाँ पे इमिशन मैप कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो अभी इसको भी मैं ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा तो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे।